रहीम आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइड सब्जेक्ट सब लग जी, जिसमें आई में जो है फाइव एमसीक्यूज लग जी में आते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक दिया हुआ है वो ऑप्टोमोलॉजी का है। ऑप्टोमोलॉजी का हम डिफिनेशन इस तरह कर सकते हैं कि ये ब्रांच है मेडिसिन का और सर्जरी का, जिसमें हम डायग्नोसिस करते हैं आई के जितनी भी डिजीज़ है उनकी डायग्नोसिस करते हैं और इनके लिए जो है ट्रीटमेंट उन्हें प्रोवाइड करते हैं। और जो बंदा जो है स्पेशलाइजेशन कर जाता है, जो फिजिशियन स्पेशलाइजेशन कर जाता है ऑप्टोमोलॉजी में, इसको हम ऑप्टोमोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑप्टोमोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? ऑप्टोमोलॉजिस्ट का काम यह होता है कि वो प्रेस्क्राइब करता है मेडिकेशन किस चीज़ के लिए, कि आई डिजीज़, आई डिजीज जितने भी आई डिजीज है उसके लिए वो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करता है, और इसके साथ साथ लेजर सर्जरी भी परफॉर्म करता है या लेजर थेरेपी करता है। डिजीज किस कौन से हो सकते हैं, लाइक कैटरेक्ट हो सकता है, कॉमन डिजीजेज ग्लाकोमा हो सकता है, रिफ्रैक्टिव एरर हो सकते हैं, स्ट्रैबिस्मस हो सकता है, या डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। इसके बाद जो है इसके जो ब्रांचेज हैं, मेन ब्रांचेज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसमें, तो इसमें न्यूरो ऑप्थल्मोलॉजी जो है सबसे पहला जो ब्रांच है वो इसमें क्या होता है, ये उन डिजीज पे फोकस करता है जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। जब नर्वस सिस्टम में कोई डिजीज आती है, जिस तरह वो विजन को इफेक्ट करता है, या आई मूवमेंट्स को, जो आई मूवमेंट कंट्रोल होती है उसको डिस्टर्ब करता है, या रिफ्लेक्सेस को डिस्टर्ब करता है, तो ये हम न्यूरो ऑप्थल्मोलॉजी में पढ़ते हैं। इसमें क्या कौन कौन सी पैथोलॉजी हो सकती है, जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो है न्यूरॉन रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर है, लाइक ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकती है जिसमें जो है ऑप्टिक नर्व जो है उसकी इन्फेक्शन हो सकती है, या ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो सकती है, या ब्रेन ट्यूमर्स की वजह से जो है वो न्यूरॉन डैमेज हो सकता है, या निस्टिग्मस हो सकता है, निस्टिग्मस इसमें इनवॉलंटरी रिपीटेड मूवमेंट हो सकती होती है, टोसिस हो सकता है, ड्रूपिंग अपर आईलिड हमने पड़े हुए हो सकती है जिसमें आईस्ट्रोपरोसिस जो है उसकी वीकनेस हो जाती है। दूसरे नंबर पर जो ब्रांच है वो है ऑकुलर ऑन्कोलॉजी। ऑकुलर ऑन्कोलॉजी में जो है इसमें जो ट्यूमर्स रिलेटिंग टू द आई होती है, या इसके डिनेक्स आई, डिनेक्स आई इसके जो एक्सेसरी विजुअल स्ट्रक्चर जो है, जैसे आईब्रो हो गया, आईलेड हो गया, तो इसमें जितने भी डिसऑर्डर है ट्यूमर जो है वो रिलेटिंग टू द आई या इसके डिनेक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके बाद जो है पेट्रियाटिक ऑप्थल्मोलॉजी है, इसमें जो आई डिजीज है बच्चों में, चिल्ड्रन में जो कॉमन डिजीज है पेट्रियाटिक में, अभी भी वो हम पेट्रियाटिक ऑप्थल्मोलॉजी में पढ़ते हैं। ओकुलोप्लास्टिक में हम क्या करते हैं, ओकुलोप्लास्टिक जो ब्रांच है इसमें हम सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं, जिसमें जो है जो आई आर्बिट के रिलेटेड, आर्बिट से रिलेटेड हो, या आईलेट से रिलेटेड हो, या टेरेडक्ट से रिलेटेड हो, या फेस से रिलेटेड जितने भी सर्जरी है वो हम ऑक्युलोप्लास्टिक में करते हैं। ऑप्थाल्मिक पैथोलॉजी जो है वो फाइव ब्रांच है, जिसमें हम डायग्नोसिस न्यूप्लास्टिक और नॉन न्यूप्लास्टिक डिजीज ऑफ द आई करते हैं, जिसमें हम डायग्नोसिस करते हैं कि न्यूप्लास्टिक है या नॉन न्यूप्लास्टिक आई डिजीज जितने भी आई के हैं वो हम इसमें पढ़ते हैं। इसके अलावा और भी ब्रांचेज है लेकिन ये मेन ब्रांचेज थी। रिफ्रेक्टिव सर्जरी हो सकती है, जिस एक ब्रांच है जिसमें हम रिफ्रेक्टिव एरर जितने भी है, मायोपिया, एस्टिगमेटिज्म, इसके लिए हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं, या इंटीरियर सेगमेंट सर्जरी भी हो सकती है, इंटीरियर चेंबर जो है हमारे पास आई का उसकी जो सर्जरी परफॉर्म करते हैं वो इस ब्रांच में हम करवाते हैं, या विट्रो रेटिनल सर्जरी जो है रेटिना रिलेटेड या पोस्टीरियर सेगमेंट के जितने भी डिजीज है वो हम इसमें इस ब्रांच में परफॉर्म करते हैं।